सो गाइज OnePlus 8 Pro ये जो डिवाइस है अब तक का सबसे महंगा डिवाइस होने वाला है OnePlus की तरफ से, जो कि आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज से भी ऊपर जो है कॉस्ट करने वाला है। तो आज के जो वीडियो है OnePlus 8 Pro के ऊपर होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, अब वहां पर जाकर कोई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। और साथ ही में मेरे थंबनेल्स के ऊपर जो वॉलपेपर्स का यूज़ किया जाता है वो भी आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डेफिनेटली टेलीग्राम का ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus 8 Pro की डिस्प्ले के बारे में। OnePlus 8 Pro के अंदर सबसे बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी लगभग से 6.67 इंचेस की, जैसे कि हमें OnePlus 7T Pro के अंदर भी देखने को मिल चुकी है। क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलेगी, जो कि सुपर AMOLED वाले पैनल को सपोर्ट करने वाली है। डिस्प्ले जो होगी आपको कर्व पैनल के साथ में देखने को मिलेगी, तो आपके जो पैनल की एजेस जो होंगी वो कर्व देखने को मिलेगी, जो कि एक अलग सा प्रीमियम लुक जो है एक डिवाइस को ऑफर करता है। और लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइस होगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस होगा इस डिवाइस के साथ में वो और भी स्मूथ लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 7T। डिस्प्ले के बाद बात आती है इस डिवाइस के चिपसेट को लेकर। तो OnePlus जो है हर समय अपने डिवाइसेस के अंदर लेटेस्ट चिप का यूज़ करता है, तो डेफिनेटली इस डिवाइस के अंदर Qualcomm Snapdragon 865 देखने को मिलेगा, जो कि 5G और 4G दोनों वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा। और इंडिया के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4G वेरिएंट ही देखने को मिलेगा इस डिवाइस का, क्योंकि अभी तक 5G कनेक्टिविटी ही इंडिया के अंदर नहीं है, तो 5G डिवाइस का कोई भी यूज़ नहीं होने वाला इंडिया के अंदर। तो आपको जो है 4G वेरिएंट ही देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी, दोनों में आपको इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर फ़ोन की बैक की साइड में आपको जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप ऑफर किया जाएगा इस डिवाइस के अंदर। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि सोनी का IMX686 वाला होने वाला है। और इस सेंसर के ऊपर आपको OIS और EIS दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इन सब के अलावा आपको 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलेगा, जो कि 10x हाइब्रिड जूम तक को जो है सपोर्ट करने वाला है। जो फोर्थ सेंसर होगा वो होगा यहाँ पर 3D TOF सेंसर, जो कि आपको 3D इमेज कैप्चर करने में और अदर फीचर्स को एक्सेस करने में हेल्प करने वाला है। बाकी सेल्फी कैमरास को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल पंच होल कटआउट के अंदर 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और 8 मेगापिक्सल का 3D TOF सेंसर फ्रंट की साइड में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डिवाइस की बैटरी की ओर। तो डिवाइस के अंदर 4500 mAh की बड़ी बैटरी का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 35W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि OnePlus ने नाम दिया है 35W की वाप चार्जिंग। और साथ ही में इस डिवाइस के अंदर आपको टाइप सी का कनेक्टर भी देखने को मिल जाने वाला है, लेकिन सैडली यहाँ पर OnePlus 8 सीरीज़ के अंदर आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलने वाला, तो ये थोड़ा सा इशू जो है आपको देखने को मिल सकता है OnePlus 8 सीरीज़ के अंदर। तो गाइज ये था OnePlus की तरफ से OnePlus 8 Pro, आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और साथ ही में टेलीग्राम का ग्रुप जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।